और त्योहारों से पहले आतंकी साजिश नाकाम। आईएसआईएस का मोस्ट वांटेड दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी शहनवाज उर्फ शैफी गिरफ्तार हुआ है। आईएसआईएस के दो और आतंकियों को भी पकड़ा गया है। एनआईए ने आतंकी नेटवर्क पर कसा शिकंजा। आईएसआईएस के ये तीन खूंखार आतंकी हैं जिनके मंसूबे भारत को दहलाने के थे, लेकिन ये अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाते। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज समेत तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। शाहनवाज के साथ आईएसआईएस के दो और दहशतगर्दों मोहम्मद अरशद वारसी और रिजवान की भी गिरफ्तारी हुई है। माइनिंग इंजीनियर रहा आतंकी शाहनवाज काफी खतरनाक मंसूबे पाले था। शाहनवाज के अलावा दूसरा आतंकी रिजवान और तीसरा आतंकी अरशद भी इंजीनियर है। तीनों देश के कई राज्यों में बड़े की साजिश रच रहे थे। इन आतंकियों के निशाने पर देश के कुछ मंदिर और बड़े संवेदनशील इलाके थे। मुंबई का चाबड़ हाउस और अयोध्या मंदिर पर हमले की साजिश रच रहे थे। वहीं इन दहशतगर्दों को देश के कुछ बड़े नेताओं को भी टारगेट करने का टास्क मिला था। गिरफ्त में आए तीनों आतंकी गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड भगोड़े फरतुल्ला गौरी और उसका दामाद शाहिद फैसल के संपर्क में थे, जो अब पाकिस्तान में आईएसआई की सुरक्षा में रहते हैं। तीनों पाकिस्तान के इन्हीं आतंकियों के आदेश पर दिल्ली में भी कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया, ये तीनों त्योहारों से पहले भीड़भाड़ वाली जगहों पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तीनों आतंकी आईएस के पुणे मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आतंकियों को अलग अलग टास्क मिला था। इन्होंने पश्चिम और उत्तर भारत में कई इलाकों की रेकी की थी। त्योहारों से पहले भीड़भाड़ वाली जगहों पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी। प्रैक्टिस के लिए इन्होंने पुणे के जंगलों में ब्लास्ट भी किया था। इन्होंने रेकी करी, वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शाहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी, धर्म परिवर्तन करा, उसे मुस्लिम बनाया गया, फिर उसका ब्रेन वॉश किया गया। शाहनवाज की तैयारी उत्तर भारत में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलने की थी। अब तीनों की गिरफ्तारी से देश भर में मंडरा रहा बड़े आतंकी हमले का खतरा टल गया है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के मोस्ट वांटेड आतंकी शहनवाज समेत तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी के पास से भारी तादाद में आईडी बनाने वाला केमिकल और हथियार बरामद हुए। रिपोर्ट देखिए। आतंकी शाहनवाज उर्फ शैफी उज़्ज़मा को दिल्ली के जैतपुर से पकड़ा गया। आतंकी मोहम्मद अरशद की यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई, जबकि तीसरे आईएसआईएस आतंकी रिजवान को लखनऊ से गिरफ्त में लिया गया। तीनों आतंकियों में सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड शाहनवाज उर्फ शैफी है। माइनिंग इंजीनियर रहा शैफी बम बनाने में माहिर है। स्पेशल सेल ने उसके पास से भारी तादाद में आईईडी बनाने वाला केमिकल, हथियार और आपत्तिजनक साहित्य बरामद किया है। शाहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। उन्होंने तमाम मटेरियल भी इकट्ठा किया हुआ था और तीनों बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो भी वेल क्वालिफाइड है और जो मोहम्मद शाहनवाज है तो बीटेक इन माइनिंग है, इसको एक्सप्लोसिव्स वगैरह की अच्छी नॉलेज है। आईएसआई के एलिमेंट्स हैं, उनके द्वारा प्रमोटेड सपोर्टेड। फरहतुल्ला गौरी बेन है, उसका फिर सन इन लॉ है फैसल, तो उन सब से इनके तार जुड़े हुए थे। और एनआईए ने कुछ दिन पहले वांटेड मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची जारी की थी। इसमें शहनवाज के साथ रिजवान अब्दुल और अब्दुल्ला फयाज भी शामिल थे। रिपोर्ट दिखाते आप। एनआईए सूत्रों के मुताबिक भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने के मकसद से आईएसआईएस ने आतंक और हिंसा फैलाने की साजिश रची। शाहनवाज, रिजवान अब्दुल और अब्दुल्ला फयाज को टेलीग्राम के माध्यम से मिशन में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया गया। ये तीनों आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का हिस्सा बन गए। इसी साल 18 जुलाई को पुणे में 2 व्हीलर चुराने के मामले में पुणे पुलिस ने शाहनवाज और मध्य प्रदेश के 2 लोगों मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ के लिए जब उनके ठिकाने पर ले जा रही थी तो शाहनवाज पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी से पूछताछ के दौरान
पुलिस को पता चला कि दोनों सुफा टेररिस्ट गैंग का हिस्सा हैं। अप्रैल 2022 में राजस्थान में एक कार में विस्फोटक मिलने के मामले में वहां की पुलिस उन्हें तलाश रही है। तब पुलिस ने इस मामले को पुणे ISIS मॉड्यूल केस नाम दिया। इस केस में पुलिस ने 3 और आतंकियों को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा था। इसके बाद पुलिस ने इस मॉड्यूल के आतंकियों की पूरी सूची जारी की। अब एक एक करके इनके खिलाफ शिकंजा कस रहा है।